Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Dhan Public School and College, Grade 8, Subject Drawing, Unit Number 5. और second lecture हमारे पास आज है 4th term का. आज हमारे पास topic है frame करना, यानी कि art या किसी भी तस्वीर को frame करना क्यों जरूरी है. English में हम इसको framing भी कह सकते हैं. Art के काम को frame करना क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है वो हम देखते हैं. हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं. ये पॉइंट्स आप लोग अपनी नीट कॉपी पे लिखिएगा. ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है आपके पास के तस्वीर या आर्ट को फ्रेम करना क्यों ज़रूरी है. और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट्स हैं तो वो आप लोगों ने थ्रू व्हाट्सएप मुझसे शेयर कर लीजिएगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, आर्ट के काम को महफूज किया जा सकता है. मींस कोई भी पोर्ट्रेट, कोई भी तस्वीर जो फनकार या जो मुसव्वर बनाता है, ठीक है, उसको सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए जो है वो हम फ्रेम करते हैं या फ्रेम करना ज़रूरी होता है. इसी तरह जैसे मैंने आपको मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में बताया था कि उसको किस तरीके से, वो चोरी हो चुकी थी फ्रांस से, उसको किस तरीके से जो है वो इन्होंने पेरिस के जो म्यूज़ियम है वहाँ पर दोबारा से जो है वो एडजस्ट किया था. इसी तरह दूसरी अहम चीज़ है पेंटिंग में जो है वो खूबसूरती में इजाफा करने के लिए. अब कोई भी पेंटिंग, कोई भी पोर्ट्रेट है, उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हम फ्रेम कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करते हैं, बनाते हैं. खुद आर्टिफिशियल भी होती हैं, ठीक है, नेचुरली भी हम बनाने की कोशिश करते हैं और रॉ मटेरियल्स भी बना सकते हैं. और थर्ड वन, नुमाइश के लिए तैयार की जाती है. तो कोई भी पेंटिंग जितनी अच्छी होती है जैसे हम आर्ट गैलरीज के अंदर शो करते हैं. अब ये देखिए हमारे पास कुछ पेंटिंग हैं, कुछ फ्रेम्स वगैरह बनाई हुई हैं. आप भी इस तरह से रॉ मटेरियल को भी यूज़ करके या कुछ चीज़ें परचेज़ करने के बाद जो है इस तरह की पेंट वो आप फ्रेमिंग कर सकते हैं. कोई भी घर में कोई पिक्चर्स होती है, अपनी पिक्चर्स आप लोगों के पास हैं, उनको आप फ्रेम कर सकते हैं, इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. ये देखिए सबसे पहले हमने एक गत्ता लिया, ठीक है, पैकिंग मटेरियल मार्केट से आपको मिल सकता है या गत्ता भी मिल सकता है इस तरह से. इसके अलावा कुछ हम लोगों ने जो है वो एक पेपर टेप ली है. अब सबसे पहले पेपर टेप हो या स्क्वैश टेप आपके पास हो तो हम इसको इस तरह फ्रेम फॉर्म में काट देते हैं और ये हमें अपनी कोई भी पिक्चर है उसके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वैश टेप करने के बाद अब हमने इसके ऊपर ब्लैक वाली जो स्क्वैश टेप होती है वो हमने यूज़ की है, ठीक है. उसकी मदद से हम जो है उसकी चारों साइड के ऊपर जो है उसको लैप कर देंगे, या अगर हम एक साइड पे करें तो तब भी ठीक है, या दूसरी साइड पे हम लोग दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है. या अब हमारे पास जो है वो फ्रेम एक बन गई है. अब इसके बाद नेक्स्ट वन, हम अगला जो काम इसके ऊपर कुछ डेकोरेट करेंगे, ठीक है. अब डेकोरेशन के लिए हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, धागा या वायर, आप छोटी सी पतली सी जो है वो जिसको रस्सी कह सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो अक्सर मार्केट में आपको मिल सकते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में डोरी कहते हैं, ठीक है, घर में अवेलेबल होती है अक्सर ये चीज़ें. तो आप उसको इस तरीके से जो है वो करके इसके ऊपर लैपअप कर दें, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन, आप अगर आपके पास गार्डन में कोई हैं फ्लावर्स वगैरह हैं तो वो आप ले लें, नहीं तो अगर आपके पास जो है वो कागज़ के आप बना सकते हैं, इस तरह से जो पेपर होते हैं, सॉरी फ्लावर्स वगैरह होते हैं, वो आप ड्रा कर सकते हैं और उसको इस तरीके से जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर देखें आपकी छोटी छोटी पिक्चर्स हैं, आप उनको इसके अंदर जो है वो किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं. अभी देखो छोटी छोटी चुटकियाँ सी होती हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और घरों में भी होती हैं, अक्सर कपड़े वगैरह हम हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये देखें हमारे पास एक खूबसूरत सी फ्रेम तैयार होगी. आप इससे आइडिया ले सकते हैं और इस तरह की बनानी आप इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है. आपका जो होम टास्क है यही जो तीन पॉइंट्स थे ये आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखने भी हैं और इसके अलावा जो बुक में डायग्राम बनी हुई वो आपने ड्रा करनी है. थैंक यू सो मच.